जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम लोग वैष्णो देवी का चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो अगर अभी तक के ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए माँ वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करते हैं। और यहाँ देखिए हम बाणगंगा चेक पोस्ट पर पहुँच चुके हैं। यहाँ हम अंदर एंट्री करते ही हमारा पहले चेकिंग हुआ और उसके बाद हम अंदर आए। तो यहाँ देखिए लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे लोग घोड़ा और खच्चर के लिए बार्गेनिंग कर रहे थे। और इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 6:10, हमने अपनी यात्रा शुरू की है और अब देखते हैं कि हम अर्थक्वारी कितने बजे पहुँचते हैं और उसके आगे हम भवन कितने बजे पहुँचते हैं। इसके पहले हम हेलीकॉप्टर से गए थे, मेरा फर्स्ट टाइम है बाणगंगा से पैदल ट्रिप। ये तो कितनी बार आए हैं तो इनका मोस्ट ऑफ एक बार ये पैदल आए हैं और उसके बाद हेलीकॉप्टर से ही आए हैं और घोड़े से आए हैं, तो हम पैदल चल रहे हैं। देखिए कितनी एनर्जी लगती है और कैसे हम ऊपर पहुँचते हैं। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए आप लोग भी हमारे साथ और माता रानी का दर्शन हमारे साथ आप लोग भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ देखिए हम बाणगंगा के ऊपर खड़े हैं और पानी अभी बहुत कम है तो हम अभी नीचे जाएंगे और थोड़ा सा पानी अपने ऊपर छिड़केंगे, उसके बाद हम यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे नीचे गए और यहाँ से हमने पानी लिया हाथों में और थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर जल छिड़का। चलो जाए होते हैं तो ये लोग हमको भी पूछ रहे हैं कि आपको मुंडन कराना है क्या, तो हमने कहा नहीं हमको मुंडन नहीं कराना है। तो यहाँ से देखिए सुबह सुबह का टाइम है, उतना भीड़ नहीं है, बहुत कम लोग, कुछ लोग उतर रहे हैं और कुछ लोग जो है चढ़ रहे हैं। तो सुबह सुबह यहाँ पे जो है देखिए दुकानें भी खुल चुकी हैं। यहाँ पे रास्ते में आपको खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पे थोड़ी खड़ी चढ़ाई चालू हो गई, गला बार बार सूखना स्टार्ट हो चुका है। एक से 1.5 किलोमीटर चल लिए हैं हम और बच्चे थक गए थे और हम भी कुछ खा पी के नहीं आए थे, कुछ चाय भी नहीं लिया था हमने, तो अभी हम चाय के लिए रुके हैं। यहाँ चाय पीते हैं और यहाँ से फिर से हमारी यात्रा शुरू करते हैं। तो जोर से बोलिए जय माता दी। हमारे खेत में एनर्जी भरपूर है, चलो 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 चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ये हमें पहला दुर्गा जी का मंदिर मिला है। मंदिर देखिए कितना अच्छा है, एकदम भव्य मंदिर था। हम यहाँ पे रुके और थोड़ा सा बाहर से ही हाथ जोड़े, उनको प्रणाम किया और फिर हम आगे की तरफ निकल गए। जय माँ। और अभी हम आ गए चरण पादुका मंदिर, यह हमारी यात्रा का सेकंड पड़ाव है और हमने जहाँ से यात्रा शुरू की है वहाँ से हमें आने में तकरीबन 1 घंटा लग गया है। इस वक्त बज रहे हैं करीब 7 बज रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 2 लोग थे जो ढोलक बजा रहे थे, जिससे कि लोगों के अंदर एनर्जी भरपूर आए और लोग अपनी यात्रा अच्छे से पूरी करें। तो हम भी वहाँ थोड़ी देर रुके और उसके बाद हम फिर आगे की ओर बढ़ने लग गए। और यहाँ से पूरी खड़ी चढ़ाई हमको मिली है, तो धीरे धीरे रुकते हुए हम लोग जा रहे हैं पैदल क्योंकि बच्चे भी साथ में हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कटरा का व्यू। और यहाँ से देखिए कटरा सिटी पूरा दिखाई दे रहा है, कटरा का रेलवे स्टेशन भी दिख रहा है। और यहाँ पे अरिकेत थोड़ा थक गया है तो बीच बीच में रुक जा रहा है। और ये पहला हम लोग सीढ़ी में जा रहे हैं, इन सीढ़ियों की संख्या 50 सीढ़ियाँ हैं। अदरवाइज अगर हम ये नहीं लें तो हमें वहाँ से उठ के इधर से आना पड़ेगा। तो हम ये चल रहे हैं, पहला सीढ़ी लेने का हमने हिम्मत जुटाया है।
वो भी इसलिए क्योंकि 85 सीढ़ी है, थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो जाएगा। यहाँ अरिकेत और जो मेरा बड़ा बेटा है कृष्णा, इन दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। चल चल हर 10 मिनट पे ये लोग ब्रेक ले रहे हैं और फिर चल रहे हैं। बच्चे हैं इसलिए हमको टाइम भी लग रहा है। अर्थक्वारी बस पहुँचने वाले ही हैं तो 2 घंटा हो गया है टोटल हमको निकल के, और पहुँच गए होते हैं अर्थक्वारी पर बच्चों की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है तो रुक रुक के चल रहे हैं। हर थोड़ी थोड़ी दूर पे अरिकेत बोल रहा है मुझे बैठना है, लेकिन बहुत स्ट्रांग है, पैदल चल रहा है, उतनी बड़ी बात है हमारे लिए। क्या हुआ, क्या हाल चाल है अरिकेत, पैदल चलने में मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है, थक भी रहा हूँ। अच्छा कृष्णा तुम्हारी क्या हाल है? कृष्णा और सबसे बड़ी बात की यहाँ पे बहुत लोग जो हैं नंगे पांव चल रहे हैं बिना चप्पल जूते के। हम तो जूता पहन के चल रहे हैं पर बहुत लोग नंगे पांव जा रहे हैं, तो माता की श्रद्धा है। और क्या बोलूँ, तो बस अब हम अर्थक्वारी पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ सीढ़ियाँ भी हैं ऊपर जाने के लिए, पर कितने स्टेप्स हैं वो हमें पता नहीं है, तो जो नॉर्मल रास्ता है हम उसी से चल रहे हैं क्योंकि सीढ़ियों की सीढ़ियाँ कितनी हैं वो काउंटिंग में नहीं है, तो और सीढ़ियों पे चढ़ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तो जो रास्ता हम चल रहे हैं बस वही रास्ता चलेंगे। बड़ी बात कि आपको चढ़ने में थकान तो होती है पर एक दूसरे को देख के बहुत हिम्मत आता है और ऐसा लगता है कि हाँ जब ये लोग चढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं, इससे हमको एनर्जी मिलती है और बस ऊपर चलते जाना है। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि ऐसे जगह जगह पे पीने का पानी बना के रखा हुआ है, यात्री अगर थक जाते हैं तो आप यहाँ पे पानी पी सकते हैं, हाथ मुंह धो सकते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अर्थक्वारी में, आप देख सकते हैं, और अब यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकेंगे, कुछ खाएंगे और फिर आगे जाएंगे। अर्थक्वारी पहुँचने में हमको टोटल 3 घंटा लगा, अभी 9:05 हो रहे हैं और अब हम अर्थक्वारी पहुँचे हैं। जल्दी पहुँच गए होते लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा टाइम लगा और हम भी थक गए हैं चढ़ चढ़ के, पर मज़ा भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि माता का दर्शन करना है इसलिए उतना नहीं पता चल रहा है। यहाँ दर्शन करने के लिए लाइन लगाना पड़ता है, हम यहाँ तो नहीं रुकेंगे, यहाँ कम से कम 6-7 घंटे का वेटिंग चलता है। इसके आगे हमने फिर ये तय किया कि अब हम हिमकोटी मार्ग से ऊपर भवन तक जाएंगे। अब हम हिमकोटी मार्ग से यात्रा प्रारंभ करते भवन के लिए। पहले हमें पता था कि हिमकोटी का रास्ता बंद है, लेकिन फिर भी हमें कोई बोला कि नहीं रास्ता खुल गया है, तो हमने सोचा कि चलो फिर ये आसान रास्ता हम ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हम अंदर जा रहे हैं, हिमकोटी मार्ग का रास्ता है ये। यहाँ पे देखिए यात्री थके हारे कैसे सो रहे हैं, लोग बैठे थे, कुछ लोग हवाएं खा रहे थे क्योंकि ऊपर जो है हवा बहुत ठंडी चल रही थी, तो इसलिए लोग यहाँ पे आराम कर रहे थे। तो हमें भी लगा कि आसान रास्ता मिल गया है तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे ऊपर भवन के लिए, लेकिन आगे जाने के बाद हमें जो वॉचमैन खड़ा था उसने कहा कि आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि आगे रास्ता बंद है। यहाँ पे पहाड़ों पे 3-4 दिन से आग लगी हुई थी जिसके वजह से रास्ते सारे बंद करके रखे हुए थे,
तो ये देखिए वॉचमैन ने ताला लगा के रखा है। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप खोल दीजिए, पर उन्होंने कहा कि नहीं, रास्ता बंद है, आप नहीं जा सकते हो। तो अब हम हाथी मत्था वाला रास्ता पकड़ के जाएंगे। वो रास्ता बहुत कठिन चढ़ाई वाला है, लेकिन क्या करेंगे, चलिए चलते हैं, माता जी का दर्शन तो करना ही है। तो अब हम ये देखिए हाथी मत्था वाला रास्ता पकड़ लिए हैं। और यहाँ पे अरिकेत जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा थक गया था, वो बिल्कुल मना कर रहा था, बोल रहा था अब मैं इसके आगे नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो हम पहुँच चुके हैं सांझी छत, जो हमारा अगला पड़ाव था अर्धकुंवारी के बाद। अब सांझी छत से कुछ 2-2.5 किलोमीटर है भवन, शायद 2.5 है, आगे दिखाएगा माइलस्टोन। और ये देखिए सांझी छत में यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंडिंग और टेक ऑफ कितना जल्दी जल्दी कर रहा है। क्यों? क्योंकि रास्ता खुल गया था थोड़ी देर के लिए, तो इसलिए हेलीकॉप्टर जो है लोगों को तुरंत छोड़ रहा था, और वही हेलीकॉप्टर फिर तुरंत लोगों को भर रहा था और लेके भी जा रहा था। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर का भी हमने पता किया था, तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर का चार्जेस है 1800 रुपये और ऑनलाइन टिकट बुक हो रही थी। अब ये थोड़ी आसान रास्ता है, हाथी मत्था का रास्ता ख़त्म हो गया है। सांझी छत का जो रास्ता है भवन तक, ये ऐसा ही प्लेन रास्ता है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे के साथ। देख रहे हैं प्रथम दर्शन भवन के, जो अभी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। देखो कृष्णा भवन नीचे नीचे। और ये रास्ता पूरा प्लेन था, बस सीधे सीधे चलते जाना था। तो हम धीरे धीरे चल भी रहे थे क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। और यहाँ वैष्णो देवी के भवन का नज़ारा देख रहे हैं। पहुँच चुके हैं यहाँ पे लगभग कितने बजे, 1:10, यानी हमें 7 घंटे लगे। इस वक्त 1:15 हो रहा है और हम भवन पहुँच चुके हैं, और हम यहाँ से प्रसाद लेंगे और दर्शन करने के जाएंगे। तो हमें यहाँ पहुँचने में टोटल 7 घंटे लग गए, 7.5 घंटे लग गए। हम रुकते रुकाते आए, बच्चे थे साथ में, प्लस वो हाथी मत्था वाले रास्ते से आए, बिकॉज हिमकोटी वाला मार्ग जो था वो बंद था। वो अगर रास्ता होता तो शायद हम जल्दी पहुंच जाते। हाँ, रास्ते से आए नहीं, और चढ़ाई चढ़ चढ़ के हालत हो गई है पंचर। अभी मंदिर में कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता है, कितनी लाइन है, क्या है, कुछ पता नहीं है। पहले चलते प्रसाद लेते हैं और फिर मंदिर दर्शन करेंगे, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। और यहाँ पे अरिकेत पूरा थक गया है, बोल रहा है मैं आगे नहीं जाऊँगा। तो फिर मैंने उसको कहा कि बस मंदिर हम पहुँच गए हैं, अब धीरे धीरे चलना है। फिर आगे गए हम और दुकान से प्रसाद लिए। माता रानी का दर्शन हमारा हो गया है, और दर्शन करके हम 2:30 बजे बाहर निकले, और फिर उसके बाद हम कुछ खाए नहीं थे सुबह से, तो हमने थोड़ा सा नाश्ता किया, और नाश्ता करके अभी बज रहे हैं 3:30, और अब हम जा रहे हैं भैरवनाथ दर्शन करने के लिए। तो हम ये रोपवे की लाइन लगाए हैं, आपको दिखा सकते हैं लंबी लाइन है। तो ये देखें, ये रोपवे की लाइन है, हम पीछे से लाइन लगाते हुए यहाँ पे आए हैं। तो ये 4-5 सर्कल ऐसे घूमना है, उसके बाद ऊपर जाना है, और उसके बाद और कितना लंबा घूमना होगा मुझे पता नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ। तो चलिए ऊपर चल के मिलते हैं। यहाँ पे देखिए रोपवे कैसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है।
तो रोपवे में एक फ़ायदा है कि आप तुरंत ऊपर पहुंच जाते हैं और तुरंत नीचे आ जाते हैं, क्योंकि भैरव घाटी का भी चढ़ाई जो है बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, टाइम लगता है, चढ़ने में भी कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि हम रोपवे से ही जाएंगे और उसके बाद हम वहाँ पे लाइन में लगे, हमको 1 घंटा 10 मिनट लाइन में हम खड़े थे, तब जाके हमको टिकट मिला था और अब हम ऊपर पहुँचने वाले हैं भैरवनाथ की जगह पे। और हम 4:40 पे भैरवनाथ आ चुके हैं। टोटल हम 1 घंटा 10 मिनट हमें लाइन में लगना पड़ा रोपवे के लिए, और अब हम यहाँ पे भैरवनाथ बाबा का दर्शन करेंगे। टोटल 1 घंटा हमें लाइन में लगा, 1 घंटा 10 मिनट बोल सकते हैं, और ऊपर आ चुके हैं। अच्छा था एक्सपीरियंस रोपवे का। चलिए बस अब भैरवनाथ का दर्शन करते हैं और उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि बहुत थकान हो गई है। तो इसमें भी 3-4 सर्कल घूम के हम ऊपर मंदिर में गए, दर्शन किए भैरव बाबा का, भैरव बाबा के। हम वापस और भवन की तरफ जा रहे हैं रोपवे के थ्रू, और नीचे जाके फिर डिसाइड करते हैं कि हमको क्या लेना है, घोड़ा या बैटरी का। चलो हम रोपवे से सीधे नीचे जा रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। और ये देखिए हम नीचे आ गए हैं। और ये हमने अनिकेत के लिए पिट्ठू कर लिया है, क्योंकि वो चल नहीं रहा था बिल्कुल। तो यहाँ से नीचे बाणगंगा तक के लिए हमने पिट्ठू किया है, ताकि एटलीस्ट उसकी कुड़कू शांत हो जाए। बहुत चिलम चिली कर रहा था हम लोगों के साथ, चल नहीं रहा था बिल्कुल। और ये देखिए अरिकेत वॉकर में बैठ के कितने मज़े ले रहा है, और हमने अपना सामान भी वॉकर के नीचे ही रख दिया था। और ये रास्ता जो हम यूज़ कर रहे हैं ये बैटरी कार वाली रास्ता है, तो हम बैटरी कार के लिए भी गए थे पर बहुत लंबी लाइन थी और टिकट मिलना इतना आसान नहीं था, तो हमें लगा कि हम पैदल ही नीचे उतरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जितना लाइन में खड़े रहेंगे उससे उतने में हम शायद आधा नीचे उतर जाएंगे। तो ये बैटरी कार वाली रास्ता है और ये थोड़ा प्लेन रास्ता है, उतना चढ़ाई नहीं है, उतराई भी नहीं है, तो यहाँ पर हम ईजीली नीचे उतर सकते थे। तो ये रास्ता अर्थ कुंवारी तक जाता है, तो हमने यही रास्ता यूज़ किया। और अरिकेत वॉकर में था तो उसको आगे आगे वो चल रहा था, तो हम भी पीछे पीछे उसके चल रहे थे। और यहाँ देखिए यहाँ से कटरा 8.5 किलोमीटर दिखा रहा है और अर्धकुंवारी 3 किलोमीटर। और शाम का टाइम था तो एकदम ठंडा मौसम था और उतरने में उतना कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा था। हम भी यही वो इलाका है जहाँ पर आग लगी थी, ये देखिए यहाँ के कोई जंगल झाड़ियाँ जल गई है और जो पेड़ है वो भी काफ़ी हद तक झुलस गए हैं, इसके लिए रास्ते को बंद करके रखा गया था। और ये इसी अर्धकुंवारी वाले मार्ग पे आप देख सकते हैं आग फिर से लग गई है, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से भड़क रही है। इसीलिए सुबह ये रास्ता बंद था और फिर से अभी आग लग गई है। और हम ये अर्धकुंवारी के पास पहुँच चुके हैं, यहाँ से नीचे जाने के लिए 2 रास्ता है। एक तो ये ताराकोट का मार्ग है और ये पुराना रास्ता है जो स्ट्रेट जा रहा है ताराकोट के लिए। हमें यहाँ से राइट लेना है इस चेक पोस्ट से, हम ले सकते हैं बट हम नया रास्ता नहीं लेंगे, हम पुराने रास्ते से ही जाएंगे। हमें चलते हुए लगभग 1 घंटा 40 मिनट हो चुका है और हम अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं।
6 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है और लगभग 6 किलोमीटर और बाकी है। देखिए हम कब तक पहुँचते हैं, 9:15 बजेगा नीचे कटरा पहुँचते। हिमकोटी मार्ग पे थे, वहाँ पे कोई रश नहीं था, लेकिन यहाँ पे घोड़ों और खच्चरों का बहुत रश है। सो चुका है, काफी थक गया था। रात में कटरा सिटी देखिए आप कैसा शानदार दिखाई दे रहा है, मोती की तरह चमक रहा है। तो देखिए बहुत जबरदस्त आंधी चली है और अभी हम लगभग 4 किलोमीटर दूर हैं बाणगंगा से। ऐसा लग रहा है पेड़ टूट जाएगा। टाइम हो रहा है इस वक्त 8:20, बस बारिश ना हो गए हमारा। और हम पहुंच गए चरण पादुका मंदिर और अभी जस्ट आंधी तूफान की वजह से पावर चला गया है, तो रास्ते में कहीं भी पावर नहीं है। टाइम हो रहा है 9:40। हेलो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और रात को हम लोग होटल में आए हैं 10:15 बजे और बहुत थक गए थे, इतना थक गए थे कि कुछ भी रिकॉर्ड करने का मतलब मन नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने एंड भी नहीं किया व्लॉग का। और अभी सुबह 9:30 बज गए हैं और हम फ्रेश हो चुके हैं, यहाँ से हमको निकलना भी है। तो माता रानी का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ और सब कुछ, तो इसलिए तो अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।